शहर के भीतर ओवर स्पीड मोटरसाइकिल और प्रेशर हॉर्न बजाने वाले हो जाए सावधान। पुलिस आगामी दिनों में करेगी निरंतर कार्रवाई, युवाओं पर रहेगी विशेष नजर। आदिवासी कल्याण विभाग में बजट का अभाव, 4 सैकड़ा छात्रों को नहीं मिला रूम का रेंट। 2 वर्ष से अटका विभाग का 16 लाख रुपए का रेंट के लिए छात्र और मकान मालिक हो रहे परेशान। शिक्षा विभाग के टीचरों के स्थानांतरण नीति बनी पहली और मजाक, भोपाल स्तर से विभाग के पोर्टल नहीं किया गया अपडेट। स्थानांतरण की चाह रखने वाले टीचरों को नहीं मिल पा रही खाली स्थान वाले टीचरों की सूची। तीन वर्ष पुराने पोर्टल पर नहीं दिख रहे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के खाली पदों की जानकारी। स्कूल जाकर परिजन कर रहे सर्वे, बढ़ रहे फॉर्म में जानकारी। टीचरों का कैसे होगा स्थानांतरण, कई सवाल। शिक्षकों का कहना है कि जिसकी लाठी उसी का होगा स्थानांतरण, यही चल रहा है सरकार का स्थानांतरण नीति का कार्यक्रम। पद्मेश 24/7 की खबर का लालबर्रा में दिखा असर। एक दिन पहले पीएचई विभाग की फूटी पाइपलाइन और जानलेवा गड्ढे के विषय में दिखाई गई थी खबर। रविवार को पीएचई विभाग ने शुरू करवाया पाइपलाइन मरम्मत का काम। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने किया ऐलान, 19 और 20 जुलाई को 2 दिन की हड़ताल में जाने का किया ऐलान। लंबित मांगे पूरी नहीं होने का बताया हड़ताल की वजह। बारासिमनी के वार्ड नंबर 10 में एक व्यक्ति की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने की पुष्टि। मुंबई बरघाट सहित अन्य स्थानों पर बीते दिनों की थी पॉजिटिव व्यक्ति ने यात्रा। एक महिला ने दहेज प्रताड़ना के मामले में बैयर के कंपाउंडर टोला निवासी अपने पति और 2 ननद के विरुद्ध दर्ज किया मामला। शहर के कोतवाली थाने में पीड़िता ने दर्ज कराई रिपोर्ट। जिले के भीतर रूठे मानसून के बाद उर्वरक खाद की किल्लत ने किसानों की बढ़ाई चिंता। खरीद की फसल में धान के उत्पादन को लेकर बना संशय। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौखंडी गांव में कुएं में कूदकर 50 वर्षीय किशोर चौहान ने की आत्महत्या। नशे को बताई जा रही है आत्महत्या की वजह। शहर के वार्ड नंबर 1 में 2 साल पहले हुआ था सड़क का भूमि पूजन, अब तक नहीं हुआ निर्माण कार्य। वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त। जिला अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आयोजित की बैठक, लंबित मांगों के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाए जाने की बनाई गई रूपरेखा। बारासोनी क्षेत्र में अल्प बारिश की वजह से मेहंदीवाड़ा क्षेत्र में सूख रहे धान की फसल। किसानों ने लगाया ढूटी नहर की माइनर सफाई नहीं होने का आरोप। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दी जानकारी, भीमगढ़ से पानी छोड़े जाने पर दिया जाएगा सिंचाई के लिए पानी। शहर के बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में समस्याओं का अंबार, गंदगी की वजह से नहीं पहुंच रहे यात्री। अज्ञात चोरों ने चुरा ली 16 कुर्सियां, नगर पालिका ने मामले का लिया संज्ञान। शहर में शुरू हुई एमआरआई सेवा, शुक्ला डायग्नोस्टिक सेंटर में शुरू की गई एमआरआई सेवा, बीमारी का पता लगाने। अब लोगों को नहीं जाना पड़ेगा नागपुर। ढोटी बाई तट नहर का किया जाएगा सीमेंटीकरण कार्य। सिंचाई विभाग ने 150 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर वरिष्ठ स्तर पर भेजा, बजट स्वीकृति के बाद शुरू होगा काम।
नगर पालिका मुनादी करवाकर शहरवासियों को दे रही है सूचना। पुरानी पाइपलाइन से बंद होगा जल प्रदाय, नई जल आवर्धन योजना शहर में होगी 7 दिनों के भीतर शुरू। नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही मुनादी पर शहरवासियों और नगर पालिका के जानकारों में चर्चा का विषय, अधूरी जल आवर्धन योजना कैसे दिया जा सकेगा पानी। नई जल आवर्धन योजना के कनेक्शन सहित मीटर लगाने का काम नहीं हुआ पूरा। नगर पालिका के इंजीनियर बोले, प्राथमिकता से करवाया जा रहा है काम, परिस्थिति के अनुसार लिया जाएगा फैसला। जिले के तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांडरवानी गांव में पथरी की बीमारी से पीड़ित एक 14 वर्षीय बालक ने लगाई फांसी।